हसन मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। वही परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई है। वही डॉक्टरों ने मरीज के तीमारदारों के साथ जमकर मारपीट भी की। बवाल की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस सहित कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। भगवान का दूसरा रूप है जाने वाले डॉक्टरों की क्रूरता देखने को मिली। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के राजीव नगर का रहने वाला महेंद्र सिंह के पेट में दर्द की शिकायत को लेकर मेडिकल कॉलेज की घड़ी वाली बिल्डिंग में भाषा केंद्र महेंद्र की इलाज के अभाव में मौत हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो मरीज की हालत बिगड़ने के दौरान उन्होंने डॉक्टरों से कई बार मना की थी कि मरीज को एक बार देख लें, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी डॉक्टरों ने उनकी एक ना सुनी, जिसके चलते महेंद्र की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने महेंद्र की मौत का जिम्मेदार अपने परिवारजनों के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने अपने न्याय साथियों को भी बुला लिया जिन्होंने परिजनों के साथ मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। ऐसे में भगवान की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। वहीं पुलिस ने डॉक्टर और मरीज के तीमारदारों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया, जिसके बाद परिजन महेंद्र केशव को लेकर घर चले गए। क्या किया उनके साथ में? कुछ नहीं किया, वो खाने की बोलते रहे। नहीं, अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ? फिर वो जब तक एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा, इलाज नहीं मिला था इसके? क्या इलाज? नहीं, इलाज नहीं हो पाया था। इलाज ना मिला उसके चक्कर में मौत हुई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई थी और उनको जो फिर मारपीट कैसे हुई, क्या हुआ? मारपीट ये हुई थी कि जो एक सर थे, बड़े सर, वो आए हुए थे। उन्होंने उससे जो उनके लड़के थे और दामाद थे और जो उनकी घर वाली थी, उन्होंने उनसे कहा कि लापरवाही होने की वजह से इस डॉक्टर ने खाना खा रहा तो ये परमिशन नहीं हुए। तो उन्होंने तो सारे हॉस्टल के बच्चों को फोन कर दिया, तो सब लोग आके इन लोगों के साथ में मारपीट की है। पुलिस कितनी देर दामाद के साथ में और उनके घर वाले? पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस ये मान लीजिए जब उनके साथ मारपीट होगी उसके बाद में 15-20। आपका कौन भर्ती है इसमें? भूल गया, उसको भर्ती नहीं किया। यहाँ से वहाँ साला, यहाँ से वहाँ पैदल जाए, किसी आदमी के पास गाड़ी नहीं है तो वो तो मर जाए। आज ये सिद्ध हो गया कि आगरा का जो एसएन है उस पर पैसा तो आ रहा है, सरकार दे रही है, खर्च कर रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ध्यान किसी पेशेंट पे नहीं दिया जा रहा है। भैया आधे घंटे से फोन कर रहा हूँ उसके पास जिसकी ड्यूटी है, खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। जब आ गया तो पेशेंट को उठाने के लिए वो भी नहीं थी। कैसे उठा के लाए थे पेशेंट को? सर कोई देखेगा तो ये कहेगा कैसे? हम तो प्राइवेट में ले जा रहे थे, सुबह प्राइवेट में ले जा रहे थे, लेकिन सुना था यहाँ डॉक्टर बढ़िया है, और जब लाए थे तब अच्छे वाले थे पेशेंट। मैं बता रहा हूँ सर, एक एक करके लड़ रहे हैं मुझसे, लड़ रहे एक एक करके, मार रहे हैं। आगरा से सुनील अरोड़ा की खास रिपोर्ट।